आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज, देश प्रदेश जिला व कस्बों के लिए आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। पटना से हमारे हेड प्रतिनिधि सनोवर खान के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश पर जगह जगह गाजे बाजे और गुलाल के साथ खुशी का इजहार का प्रदर्शन किया। वहीं हमारे सिवान जिला से जेएनए के अनुसार बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष देशबंधु आजाद ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथा उच्च न्यायालय के द्वारा गृह रक्षकों को समान काम का समान भत्ता देने का फैसला लेकर एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा सरकार अब हम लोगों के बातों को अमल करेगी और हम लोग अब परिवार का भरण पोषण ठीक रूप से कर सकेंगे। वहीं जहानाबाद से मिली जानकारी के अनुसार मिथिलेश सिंह सचिव तथा अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ उच्च न्यायालयों के द्वारा दिए गए आदेश पर खुशी का इजहार किया। जबकि खगड़िया से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार खगड़िया पुराना अस्पताल से बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। मौके पर सुभाष चंद्र जोशी, अजय कुमार मिश्रा, विवेकानंद यादव, राजीव ठाकुर, राजेंद्र यादव, पूर्व सचिव कौशल किशोर यादव, शंकर यादव, दामोदर जायसवाल, नामो यादव, सुरेश प्रसाद वर्मा सहित दर्जनों प्रतिनिधि मौजूद थे। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। अपने कार्यालय से चल करके कारगिल चौक पर जुलूस के रूप में हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे केंद्रीय समिति के द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि जो बिहार सरकार के द्वारा हमारी जो पुरानी मांग थी बिहार पुलिस के बराबर वेतन हो या सुविधा हो, तो पिछले 3 नवंबर को बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट से पारित कर करके आदेश निकाला गया कि गिरिरक्षकों को, पूरे बिहार भर के गिरिरक्षकों को 400 रुपया से बढ़ा करके 774 रुपया प्रतिदिन दिया जाएगा। उसी के उपलक्ष में केंद्रीय कमेटी द्वारा 19/11/2018 को पूरे बिहार में सरकार के प्रति सम्मान जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया था। उसी के आलोक में जहानाबाद जिला के भी गृहरक्षक लोग अपने जिला कार्यालय से, संघ कार्यालय से चल करके
संघ कार्यालय से चलकर के समरणालय तक जाकर के जुलूस के रूप में निकले और वहां जाकर के एक सभा में तब्दील हो गई और सरकार के प्रति हम लोग सम्मान जाहिर करते हैं और पूरे जहानाबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के गृहरक्षक आशान्वित है इस सरकार से कि जो कुछ भी बचा हुआ है सरकार आगे भी इस कमजोर गरीब पर ध्यान दे और हम लोग को सम्मान रूप से देने का कार्य करें कि हम लोग भी समाज में सम्मान रूप से जिए और सम्मान रूप से रहें। तो कुछ हद तक तो सरकार हमारे प्रति जो सोचे हैं जो सलाह दिए हैं लेकिन कुछ और जो भी मांगे हैं जो बराबर नहीं हुआ है जैसे छुट्टी है अवकाश सबको मिलता है अवकाश के चलते हम लोग पंगू है हर तरह से पंगू है अवकाश के चलते यदि हम लोग को एक कड़ी अवकाश जोड़ दिया जाए कि हम लोग को भी अवकाश के सूची में ला दिया जाए कि नीरज को तो हम लोग के जो निधि पदाधिकारी हैं जहाँ कार्यरत है हमारे गिरिरक्षक भाई उसको इतना जहाँ दुख नहीं उठाना पड़ेगा इतना तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा और इतना हम लोग नहीं रहेंगे इतना वक्त नहीं रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से मीडिया के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि जो मिला सम्मानजनक तो है ही लेकिन जो बाकी है उसको जोड़ दिया जाए तो हम लोग सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं और बाल बच्चा को गृहरक्षक अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर करके काम चला सकता है। जय हिंद जय भारत जय गृहरक्षक। बलवाही स्थित बाल दुर्घटना में सनहौली के दो युवक की मृत्यु उपरांत सदर अस्पताल में कोहराम मच गया। वहीं सदर विधायक पूनम देवी यादव ने पहुंचकर परिजनों को ढाढ़स दिया। मौके पर शिक्षक नेता मनीष सिंह, राजद नेता प्रकाश राम, छात्र नेता सन्नी राम सहित दर्जनों कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, समाजसेवी व सनौली ग्राम सहित पत्रकार नगर के निवासी सदर अस्पताल में मौजूद।
जन अधिकार पार्टी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय के सामने चंदन सिंह जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चिकित्सा व्यवस्था के विरोध में सुधार करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। मौके पर दर्जनों युवा शक्ति के प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी ने चिकित्सा व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक अपनी बातें कही। मरीज खड़े हो जाते हैं तब डॉक्टर साहब आकर बैठते हैं, यही नियम है। पहले क्लिनिक में सेवा कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं हजारों हजार, उसके बाद डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर साहब 8 बजे हॉस्पिटल में आवे, 8 बजे सब कर्मचारी आवे, जैसे ही पुर्जा कटना शुरू होता है वैसे डॉक्टर इलाज करना शुरू करे। लाइन को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, अगर लाइन को देखेंगे ज्यादा तो इसके लिए भी जोर शोर से आंदोलन खड़ा करेंगे।